बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जरा बुक के पेज नंबर 17 की तरफ आए। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन की थी अपनी प्रीवियस क्लास 1 में। असेंडिंग ऑर्डर, हम लोग नंबर्स को अरेंज करते हुए स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जब लेकर जाते हैं तो वो आपके पास असेंडिंग ऑर्डर बन जाता है। देखिए, व्हेन द नंबर्स आर अरेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर्स इन अ गिवन सेट, वी से दैट दीज नंबर्स आर असेंडिंग ऑर्डर, आर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब यहां पर एक बर्ड है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, नंबर 3 से स्टार्ट होता है, फिर अगले स्टेप पे जाता है, फिर नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट पे, तो इस तरह ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये असेंडिंग में है। 3 से स्टार्ट हुआ, 4, 5, 6 एंड 7 पे गया, तो इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। कोई भी सेट ऑफ नंबर्स गिवन होंगे, उनको पहले आपने कंपेयर करना है, देखना है कौन सा लेस है, कौन सा ग्रेटर है, फिर उस सबसे पहले आपने चूज करना है स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उससे ग्रेटर, उससे ग्रेटर, एट द एंड आपने सबसे ग्रेटर नंबर पुट कर देना होता है, तो वो आपके पास असेंडिंग ऑर्डर बन जाता है। सिमिलरली जो डिसेंडिंग ऑर्डर है, उसी को आपने सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर राइट करते हैं, फिर उससे लेस, उससे लेस, एंड देन लेस, एट द एंड सबसे लेस आप राइट कर देते हैं, तो आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाता है। अब यहां पर इन वर्ड्स को देखें, ये 7 से स्टार्ट होते हैं और नीचे की तरफ मूव करते आ रहे हैं। देखें जरा, 7, 6, 5, 4, 3, अब ये स्टेप वाइज नीचे की तरफ जब मूव करते आ रहे हैं तो इट मींस दे आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डेफिनेशन देख लें, व्हेन द नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर्स इन अ गिवन सेट, वी से दैट These numbers are in descending order। आपको मैंने comparison भी सिखाया two numbers का, two or more numbers का, फिर उन्हीं उसी method को use करते हुए आपने इन numbers को according to the definition arrange करना है। Suppose हमारे पास कुछ numbers थे, 13, 20, 16, 12, अब आपने इन नंबर्स को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। इनको तो आप इजीली बता सकते हैं कि सबसे पहले आपने सेम जो प्लेसेस वाले नंबर्स हैं वो देख लेने हैं, 1 पे हैं। इनमें से देखें सबसे पहले कौन सा आता है, 2 आता है, 3 आता है, फिर 6 आता है। हम लोग क्या राइट करेंगे अगर मैं असेंडिंग में जा रहा हूं, सेंडिंग ऑर्डर, आपने इसको भी देख लेना है क्योंकि ये सेम नहीं है, तो इन सब से ये बड़ा है, 1 से बड़ा है। ये तो डिस्कार्ड हो गया इस ग्रुप में से, 3 वाले में से, तो हम लोग क्या करेंगे इन तीनों को चेक करेंगे। अब इसकी प्लेस चेक करो, ये 2 पे है तो आपके पास 12 आ गया, फिर अगला 13 के ऊपर है, थर्ड 16 के ऊपर है, एट द एंड जो 20 बचता था वो आपने राइट कर दिया, तो आपके पास इजीली ये नंबर्स अरेंज हो गए असेंडिंग ऑर्डर में। इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर उसमें भी यही करना है, आपने ये चीज चेक करनी है, सबसे पहले ग्रेटर नंबर राइट करना है, ग्रेटर कौन सा था, 20, अगेन 20 को राइट कर दिया, फिर उससे लेस 16, फिर उससे लेस कौन सा था, 13, एट द एंड 12। ये आपके पास डिसेंडिंग की छोटी सी एग्जांपल थी जो आपने अभी की। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रीवियस क्लास में भी करके आए असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में। अब जो है हम लोग 3 डिजिट की तरफ मूव करना है, 3 डिजिट्स वाले नंबर्स असेंडिंग और डिसेंडिंग में हम लोग अरेंज करेंगे, उसमें 3 वाले भी होंगे, कुछ भी होंगे। अब एग्जाम्पल नंबर आपने 15 देखनी है, पेज नंबर 18 के ऊपर, ड्रॉ एन एरो टू शो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एंड राइट ए फॉर असेंडिंग एंड डी फॉर डिसेंडिंग। जिस तरह फर्स्ट जो कैंडल है ये वाली, इसके ऊपर आपके पास गिवन है कि ये नंबर असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में। एरो देखें, 15 से स्टार्ट होते हैं, 36 की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये किसकी तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, डिसेंडिंग। अब ये कहां की तरफ जा रहा है, असेंडिंग,
इसी तरह आपने डी और ए पुट करना है अपनी बुक के ऊपर, इनके ऊपर, कैंडल्स के ऊपर। इन नंबर्स को देखें, ये टू डिजिट वाले थे, अब ये थ्री डिजिट वाले हो गए। कंपैरिजन मैंने आपको सिखाया है, कंपैरिजन कैसे करना है वो आपने उसके अकॉर्डिंगली इन सब नंबर्स को कंपेयर कर लेना है, और उसी तरह आपने कॉलम्स बना के सबको राइट करें, और वंस टेंस हंड्रेड व्हाटसो एवर जो भी हैं वो आपने उनको कंप्लीट करना है इस तरह। हर नंबर्स के लिए, जितने भी गिवन नंबर्स हैं उनके लिए वंस टेंस और हंड्रेड्स वाले कॉलम बना लें, उनमें नंबर्स को राइट करें और फिर कंपेयर्स करें, एंड देन यू कैन डू ऑल द असेंडिंग ऑर्डर्स एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अब हमारे पास है नेक्स्ट एसएलओ, काउंटिंग बैकवर्ड। पेज नंबर 18 के ऊपर जरा देखें कि 10 स्टेप्स आपने बैकवर्ड मूव करना है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया भी था, अभी हम लोग कुछ बोर्ड के ऊपर जाकर भी काम करेंगे कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या है किसी भी गिवन नंबर से। जिस तरह यहां पर आई एम गोइंग 10 स्टेप डाउन फ्रॉम टू माय हाउस, ये बच्चा देखें यहां पर खड़ा हुआ है 10 के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर, ये यहां से स्टेप काउंट करना शुरू करता है 10, अगेन 9, 9 के बाद कितना आता है 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद कितना, सो ऑन, और एट द एंड यहां पे पहुंचता है। देखें जरा क्या ये 10 स्टेप्स के ऊपर आ रहे हैं, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जब 1 के ऊपर आता है तो ये अपने घर पे पहुंच जाता है, घर में यहां पे। तो इसी तरह कोई भी नंबर आपको गिवन होगा और उसको आपने 10 स्टेप्स डाउन की तरफ मूव करना है। अब यहां पर एग्जांपल नंबर 16 देखें, एग्जांपल नंबर 16 से पहले हम लोग बोर्ड की तरफ आते हैं और डिटेल से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड क्या चीज है। डियर स्टूडेंट्स, हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग के बारे में जानते हैं, हम लोगों ने वन डिजिट्स की फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग देखी थी और वो सीखी भी थी। अब वो काउंटिंग क्या थी, हम लोग 0 से लेकर 9 तक नंबर्स राइट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये वन डिजिट नंबर्स हैं हमारे पास, इनके काउंटिंग देखिए। हम लोग जब 0 से स्टार्ट करते थे और राइट साइड की तरफ मूव करते जा रहे थे तो हम लोग फॉरवर्ड काउंट करते थे, जब हम लोग 9 से स्टार्ट करते थे लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते थे फॉरवर्ड तो वो बैकवर्ड काउंटिंग थी। ये हमें पता है कि ये जो नंबर्स हैं 9 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 6 आता है, और फिर 6 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 1 और फिर 0 आता है। अब देखें जरा यहां पे, अगर हमारे पास यही नंबर हम लोग 10 लेते हैं, नेक्स्ट नंबर 10 से लेकर हम लोग 99 तक जाते हैं, तो किसी एक नंबर से आपने स्टार्ट करना है और कुछ स्टेप्स बैकवर्ड जाना है। उससे जाने के लिए हमारे पास डिफरेंट वो मेथड मैं आपको या टेक्निक बताता हूं कि वो किस तरह आपने यूज करना है। अब यहां पर इसी तरह हम लोग 99 नंबर्स को बैकवर्ड काउंट करना सीखना है, कैसे 99 एंड देन 100, थ्री डिजिट नंबर्स को बैकवर्ड काउंट कैसे करते हैं, ये देखिए अब ये आपके पास 99 तक है। अब यहां पर एक चीज आपने नोट करनी है कि आपने आपके पास कोई सा नंबर गिवन है उससे आपने 4, 5, 6, 7, 8 या कुछ स्टेप्स बैकवर्ड जाना होता है। कैसे, सपोज मेरे पास 30 एग्जांपल है, अब मैं बैकवर्ड मूव करना चाहता हूं 49 से 5 स्टेप्स, इस नंबर से मैंने 5 स्टेप्स बैकवर्ड मूव करना है। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने वंस प्लेस के नंबर को देखना है, बाकी जो टेंस वाला है वो वैसे का वैसे रहेगा, टेंस वाला वैसे का वैसे रहेगा, बैकवर्ड काउंटिंग काउंटिंग मैं लेट्स सी
हम लोग लेट्स सपोज हम लोग जो है वो सेवन स्टेप्स करते हैं, सेवन स्टेप्स आपने बैक जाना है 49 से। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो चीज है नंबर राइट करना है, नंबर के बाद 49 है, 49 के बाद कौन सा नंबर आता है, 8 राइट कर दिया, 4 एज इट इज राइट कर दिया। अगेन आपके पास 8 के बाद कौन सा नंबर आता है, यहां से चूज कर ले, यहां से देख ले, 8 के बाद कौन सा आता है, 7, 4 एज इट इज राइट कर दिया। अगेन आपने क्या करना है, 7 के बाद कौन सा आता है, 6, 4 एज इट इज राइट कर दिया, एंड देन 5, 4 एज इट इज राइट कर दिया। कितने नंबर जाने हैं, 7 स्टेप्स, 1, 2, 3, 4, 4 स्टेप्स हो गए। एंड देन नेक्स्ट देखें, 44, 43, 42, आप 42 पे पहुंच गए। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड देन सेवंथ। तो अब आप 7 स्टेप बैकवर्ड काउंटिंग की है आपने। अब आपने क्या करना है, अगर फॉरवर्ड जाते हैं, फॉरवर्ड करिए तो वो इजी है क्योंकि आपने 49 से मूव करना, 9 के बाद कौन सा नंबर, 0 और ये 5 हो जाएगा, 50 51 52 53 54 ये इस तरह आप मूव कर देंगे। लेकिन बैकवर्ड के लिए इस तरह आपने देखना है, अगर आपके पास कोई 3 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर की बैकवर्ड 10 स्टेप या कुछ स्टेप्स आपने बैकवर्ड जाना है, उसके लिए भी यही प्रोसीजर आपने अडॉप्ट करना है। देखें सपोज मेरे पास सेकंड एग्जांपल जो है वो 472 है। अब आप देखें इसके बैक पे कौन सा नंबर आता है, अगेन इसी को 7 स्टेप्स में बैकवर्ड लेके जाता हूं, फोर सेवन टू, इसके बाद कौन सा नंबर है, 1, 47 एज इट इज राइट कर देंगे और 1 राइट कर देंगे साथ, फर्स्ट स्टेप हो गया। 1 के बाद कौन सा नंबर है, 0, 47 एज इट इज राइट कर देंगे, ये आपके पास 2 नंबर्स बन गए। अब इसके लेस कौन सा नंबर आएगा, ये चीज आपने नोट करनी है, 0 है, 0 से लेस तो हम लोग फिर नेगेटिव नंबर्स की तरफ चले जाएंगे, वो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, इस वजह से हम लोग जो है अब इससे ये 7 से लेस कौन सा आएगा, 6 और फिर 9। अगेन राइट करें, 4, 4, 6, 9, तो ये आपके पास नंबर यहां से अब कम हो जाएगा 1 और ये 9 बन जाएगा। अब आपके पास क्या चीज आ जाती है नेक्स्ट स्टेप पे, इधर से फिर लेस, 46 एज इट इज एंड देन 8, अगेन 46 एज इट इज 7, 46 एज इट इज 6। अब देखिए जरा कितने स्टेप हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 के लिए 46 एज इट इज और यहां पर 5 आ जाएगा। तो ये प्रोसीजर आपने रखना है, अडॉप्ट करना है, कोई जब भी कोई नंबर दिया गया हो उसको बैकवर्ड काउंट करने के लिए। अगर आपके पास आपने 10 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करना है या 10 स्टेप बैकवर्ड आना है, उसके दरमियान में बिटवीन जो गैप है वो 10 स्टेप्स का हो, जिस तरह आपके पास 40 है, 40 में 10 ऐड किए तो 50 बन गया, 50 में 10 ऐड किए 60 बन गया, 60 में 10 ऐड किए 70। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई नंबर, मैं रैंडम नंबर लेता हूं 321, इसमें 10 ऐड करूंगा तो 10 स्टेप का गैप लूंगा तो मेरे पास 10s है, 10s को ऐड करूंगा तो 331, अगेन 10s को ऐड करूंगा। लेकिन आपने ये चीज सेम रहने देनी है, इन नंबर्स को चेंज करते जाना है, आगे एक एक बढ़ाते जाना है। अगेन देखें 341, अगला नंबर जो वंस प्लेस किया वो नंबर सेम रहेगा, जब 10 स्टेप को काउंट कर रहे हैं वो नंबर सेम रहेगा और बाकी जो नंबर है वो चेंज होता रहेगा, 10s वाला, 10s को काउंट कर रहे हैं 10s को, और इसी तरह जब 100s का डिफरेंस रख के आप काउंटिंग करते हैं, सपोज आप राइट करते हैं 300, इसे 100s मूव किए आगे, एस 100s में काउंटिंग की, तो फिर क्या बनता है, ये चेंज होते जाएंगे, 400s, 500s, 600s,
वो 100 प्लेसेस चेंज होती जाएंगी, 100 प्लेसेस के ऊपर जो नंबर होगा। यहां पर कोई भी नंबर ले ले 321, इसमें 100 को किया, सिर्फ आपने इसको चेंज करते जाना है, 421, 421, 4, 5, 21, 6, 21, तो आपके पास ये सारे नंबर्स इस तरह बनते जाएंगे। फॉरवर्ड या बैकवर्ड जब भी आपने मूव करना है, अगर बैकवर्ड आ रहे हैं तो एक एक नंबर पीछे की तरफ जाते जाना है, अगर फॉरवर्ड जाते हैं तो पार्टिकुलर प्लेस पे नंबर देखना है, पार्टिकुलर प्लेस चेक करनी है और उसके बाद उसको मूव करना है। चलें अब बुक की तरफ आए और डिफरेंट एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं। चलें तो स्टूडेंट्स अब एग्जाम्पल नंबर 16 की तरफ आते हैं। देखिए 99 के ऊपर है, इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़ना है। काउंट एंड राइट डाउनवर्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग नंबर, स्टार्टिंग नंबर कौन सा है, एरो किस साइड की तरफ है, 990 के ऊपर है। आपने क्या करना है, 990 यहां से इस तरह साइड पे भी राइट कर सकते हैं, 990 इसके इससे पहले नंबर कौन सा आएगा, 989, इससे पहले 988, इससे पहले 987, इससे पहले 986, 985, 984, 983, कितने स्टेप थे, काउंट एंड राइट डाउनवर्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग नंबर, आपने मूव करते जाना है कि कहां तक जाते हैं। अब ये ने आपने 83 तक राइट कर लिया, अब जो नंबर्स मिसिंग है इनमें से देखिए कौन से मिसिंग है, वो नंबर्स आपने यहां पर राइट कर देने, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर। सिमिलरली 100 से नीचे की तरफ काउंट करते आए, आपने ये सारी एग्जाम्पल कंप्लीट करनी है, डिफरेंट नंबर्स गिवन है उनको देखते हुए। आगे जरा देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, इनमें लिटिल बिट डिफरेंस भी था जो कि हम लोगों ने स्टडी भी किया था। अब इस पिक्चर को आपने गौर से देखना है और डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करनी है। अली है, बैलून में हवा भर रहा है, हम लोग क्वांटिटीज जब रिपीट होती हैं तब भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की तरफ जाते हैं, जब साइज जो है किसी भी चीज का इंक्रीज बढ़ रहा होता है या कम हो रहा है तो उस वक्त भी हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यूज करते हैं। बट यहां पर जो मेन डिफरेंस असेंडिंग डिसेंडिंग और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में है वो नंबर्स की रेपिटेशन है। यहां पर सेट ऑफ नंबर्स में कोई से भी 2 or 3 नंबर्स रिपीट कर जाए वहां पर हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यूज करना पड़ता है। अब यहां पर देखें अली इज ब्लोइंग द बैलून, द साइज ऑफ बैलून इज इंक्रीजिंग, सो इंक्रीजिंग मींस टू गेट लार्जर फ्रॉम स्मॉलर। डेफिनेटली हमारे पास इस स्टेप के ऊपर अली बैलून फैला रहा था, उसमें हवा भर रहा था, अब वो स्टार्ट पॉइंट था, आफ्टर सम टाइम जो बैलून था थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर उसने उसको क्लोज किया बैलून को और थोड़ी देर के लिए रुका और हवा नहीं भरी उसमें, तो ये वाला साइज और ये बैलून का साइज सेम है। सिमिलरली जब थोड़ी अगेन उसने हवा भरी तो फिर आपके पास इस बैलून का साइज ग्रेटर हो गया। ये जो 2 पोजीशंस हैं इनका साइज सेम है, ये सेम नंबर्स भी हो सकते हैं, साइज इन नंबर्स, तो सो इसलिए जैसे जैसे वो हवा भरता जा रहा है इसमें तो वो उसका साइज जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, तो इट मींस के इनके साइजेस अगर डिफरेंट साइजेस हम लोग लेंगे तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। अब यहां पर क्या चीज है, ये चीज याद रखनी है, देयर इज अ रेपिटेशन ऑफ नंबर्स इन गिवन सेट ऑफ नंबर्स फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये मेन डिफरेंस था जो मैंने आपको पहले भी बताया है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में। अब नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा इसको हम लोग एग्जाम्पल नंबर 17 की तरफ आते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, कुछ नंबर्स हैं गिवन, देखें उनको अरेंज करना है, सबसे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट पहले नंबर्स को कंपेयर करें, लार्जेस्ट कौन सा है फिर स्मॉलेस्ट कौन सा है, फिर आपने सबसे पहले स्मॉलेस्ट को लिखना है, फिर 1 by 1 इनको नंबर्स को आपने राइट कर देना। देयर आर 2 नंबर्स रिपीटिंग हियर, विच वन, दिस वन 103, 2 टाइम्स,
ये रिपीट कर रहा है, इस वजह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सिमिलरली डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ आते हैं, ये एग्जांपल नंबर 18 आपने खुद करनी है अपनी नोट बुक के ऊपर, कुछ पोर्शन दिया हुआ है इसको आपने कंप्लीट करना है, इनको देख के जरा ए और बी पार्ट को। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है कि नंबर्स की रेपिटेशन इसमें भी आएगी, डिसेंडिंग की जगह हम लोग डिक्रीजिंग यूज कर देंगे। अब यहां पर रेहान है, रेहान के पास कुछ कॉइन्स हैं, वो उन कॉइन्स का टावर बना रहा है। अब देखो कि इसके हाथ में टावर सबसे बड़ा था पहले, एक हाथ में पकड़ा हुआ है, वन बाय वन उसने नीचे फेंकने शुरू कर दिए। ये जो साइजेस हैं दोनों 2 और 3 पोजीशन के ऊपर ये सेम है, और एट द एंड आपके पास टावर में जो कॉइन्स थे वो कम रह जाते हैं और रेहान के पास जो बिखरे हुए कॉइन्स हैं वो ज्यादा हैं। तो इसमें भी यहां पर भी रेपिटेशन आ गई, इसका मतलब है जो साइज ऑफ टावर है वो डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे वो कॉइन्स को नीचे टेबल के ऊपर रखता जा रहा है उस वैसे वैसे उसका साइज जो है वो लेस होता जा रहा है। तो एज रिहान इज पुटिंग डाउन द कॉइन्स फ्रॉम द कॉइन्स टावर अगेन एंड अगेन, सो द साइज ऑफ कॉइन्स टावर डिक्रीजेस, सो डिक्रीजेस मींस टू गेट स्मॉलर फ्रॉम लार्जर, इट मींस सो दैट इज अगर हम लोग इनका साइज राइट करते जाएं वन बाय वन तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में बन जाएगा। चलें अब एग्जांपल की तरफ आते हैं, ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 19 आपने देखनी है। इसमें देखें कौन से नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, सब नंबर्स को कंपेयर करें और उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में राइट कर दें। डिक्रीजिंग क्या है, सबसे पहले आपने लार्जेस्ट नंबर को राइट करना है, फिर उससे स्मॉलेस्ट, देन स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, एट द एंड आपने सबसे स्मॉलेस्ट राइट कर देना है। इसमें कौन से नंबर 2 रिपीट हो रहे हैं, ये रिपीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। आपने एग्जांपल नंबर 20 कंप्लीट करनी है, बिल्कुल उसी तरह नंबर्स को कंपेयर करें। कंपेयर कैसे करते हैं, मेथड मैंने आपको वही बताया था, इन सब नंबर्स को आपने कंपेयर करने के लिए वंस, टेंस और 100 के कॉलम में राइट कर देना है सारे नंबर्स को, और उनको फिर आपने वहां से कंपेयर कर लेना है कि कौन सा नंबर लेस है और कौन सा ग्रेटर है। इस तरह ये जो कॉलम्स बनाए और उन सारे नंबर्स को वर्टिकली, सपोज मैं ये बी पार्ट लेता हूं एग्जांपल नंबर 20 का, तो उसमें आपके पास पहला नंबर कौन सा है 684, सेकंड 589, थर्ड 331, फोर्थ अगेन 331, अगेन 381, ये नंबर आपके पास आ जाएगा 381। अब आप क्या करेंगे, इनको राइट कर देंगे। अब इनको कंपेयर कर लें, यहां पर कौन कौन से हैं, सेम नंबर्स कौन से हैं, ये सेम है, अब ये तो 5 से लेस है इसलिए हमें यहां पर इनको कंपेयर बाद में करेंगे। पहले आप देखें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 6 ये है सिर्फ, आपके पास सबसे लार्जेस्ट नंबर ये बन गया, क्या आपने यही राइट किया हुआ है, इसी तरह आपने फिर उससे स्मॉलेस्ट ये बन गया, आप राइट करें, फिर इनको इनकी ये प्लेसेस कंपेयर कर लें, यहां पर देखें कौन से नंबर वो जो है लेस हैं और स्मॉलर हैं, लेस हैं और ग्रेटर हैं, तो उनको आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है इसी तरह कंपेयर करके, और यहां पर आप राइट करते जाएंगे, इसको भी कंप्लीट करें और इसको भी कंप्लीट करें। अब एक छोटी सी वर्ड प्रॉब्लम सी है, ये आपने कंप्लीट करनी है। आपने जो भी काम कर रहे हैं मेरे साथ, वो काम आपने जो होमवर्क में है वो अपने टीचर्स को भेजना है स्कूल में चेक करने के लिए। एंड देन अब यहां पर हमारे पास एग्जांपल नंबर 21 है, अहमद वांट्स टू अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, हेल्प अहमद टू अरेंज दीज नंबर्स। आपने बिल्कुल हेल्प कैसे करनी है, इस तरह कॉलम बनाए, कंपेयर करें और उनको अरेंज करना बताएं, और फिर आपने ये जो काम है होमवर्क का या क्लास वर्क का, ये आपने टीचर को चेक करने के लिए भेजने स्कूल में। अब हमारे पास प्रैक्टिस है, आपने होमवर्क में क्या करना है, अपनी एक्सरसाइज की तरफ आए। 1B एक्सरसाइज है, पेज नंबर 26 है, वहां पर क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको गौर से पढ़ें। क्या करना है, राइट द नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, आपके पास ये नंबर्स हैं, इनको कंपेयर करें
और इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दें। नीचे क्वेश्चन नंबर 9 में नंबर्स को इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में राइट करना है। अब नेक्स्ट आपके पास वर्कबुक है, पेज नंबर 15 के ऊपर आए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 है। इन कुछ नंबर्स गिवन है, टू डिजिट्स हैं, अगेन थ्री डिजिट्स हैं, और इन नंबर्स को आपने असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। सबसे पहले ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर चूज करना है, एंड देन इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। पेज आगे आ जाए, पेज 17 एंड 18 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करना है। इसमें क्या करना है, इसमें आपने इन नंबर्स को क्वेश्चन नंबर 9 में डिसेंडिंग ऑर्डर्स में राइट करने हैं। आइडेंटिफाई करना है स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, और देन उसको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक गिवन नंबर है उसको आपने बैकवर्ड काउंट करते हुए जाना है, बॉक्सेस में मिसिंग नंबर्स राइट कर देने, जिस तरह पार्ट ए में है, ये यहां पर आपने मिसिंग नंबर्स राइट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, उन नंबर्स को आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट करना है, ए बी और डिफरेंट पार्ट्स को। नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 19 एंड देन पेज नंबर 20। अब यहां पर क्या है, आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे नंबर्स को अरेंज करना है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 13 में काउंट इन टेंस, टेंस में काउंट करना है, और देन इसको फॉरवर्ड काउंटिंग राइट करनी है, देन बैकवर्ड काउंटिंग राइट करनी है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 14 में हंड्रेड में काउंट करके इनको राइट कर देना है। अब यहां पर एक चीज आपने नोट करनी है कि जब आपने ये काम कंप्लीट कर लेना है तो आपने अपना सारा काम अपने स्कूल भेजना है और अपने टीचर से सिग्नेचर करवाने हैं यहां पर, उससे ये कंफर्म होगा कि आपने अपना काम कर लिया है।